आमतौर पर ऐसा कम ही होता है जब सोना और सेंसेक्स एक साथ उछाल पाता हो, मगर इन दिनों यही हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से सेंसेक्स और सोने की कीमत नई ऊंचाइयां छू रही हैं। सेंसेक्स ने आज जहां 85,000 का अंक छुआ, तो सोने ने भी 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया। ये दोनों विरोधी क्यों एक साथ उछाल मार रहे हैं, इसकी खोजबीन करते ये रिपोर्ट देखिए। पितृपक्ष के मौके पर भारतीय बाजारों में सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आम तौर पर देखा जाता है कि पितृपक्ष में सोने और चांदी के दाम कम रहते हैं, क्योंकि इन दिनों में शादियां नहीं होती, लोग सोने चांदी या घर का कोई खास सामान भी नहीं खरीदते हैं। लेकिन इस साल सोने के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे शेयर मार्केट भी उछाल मार रहा है। जब बजट पेश करा था केंद्र सरकार ने, और उसके अंदर 6% ड्यूटी जब घटाई थी, तो सोने का भाव 71,000 रुपए हुआ था, तो आज वो बढ़ते हुए 76,000, मतलब 5,000 रुपए की तेजी बजट के बाद सोने में देखने को मिल रही है। अगर बजट में सरकार ने ड्यूटी ना घटाई होती तो आज सोने का भाव 80,000 को पार कर गया होता। इस वक्त सोना 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जो अगस्त के महीने में अचानक 67,000 तक पहुंचा था। यानी सोना इस वक्त ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इस साल अब तक सोना 11,319 रुपए तक महंगा हो चुका है, और इस बीच शेयर बाजार ने भी आज इतिहास रचा है। जैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयर वाली सेंसेक्स में तेजी आई, ये उछल कर 85,000 के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। ऐसा पहली बार है जब सेंसेक्स ने 85,000 का आंकड़ा पार किया है। निफ्टी भी 26,000 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है, हालांकि रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार सपाट बंद हुआ। बाद में मुनाफा वसूली के चलते निवेशकों की संपत्ति में आज महज 13,000 करोड़ रुपए का ही इजाफा हो सका है। 2020 के बाद अब यूएस अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाया है, और लास्ट इंडेक्स ऑप्शंस जितने भी हैं, जितने भी इंडेक्सेस है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये सब बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। दूसरे जो इंडेक्सेस है जैसे आईटी है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, जिसकी वजह से मार्केट में बढ़त देखने को मिल रही है। देश में एक तरफ जहां कड़वे दिन खत्म होने के बाद त्योहार शुरू होने वाले हैं, ऐसे में लोग नवरात्र, दीपावली और छठ के अवसर पर सोना चांदी खरीदने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन इस साल त्योहारी सीजन में भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर इंडियन करेंसी पर पड़ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी यही है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के भाव और तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सच तो ये है कि सोना और सेंसेक्स दोनों महाठगनी हैं। कब ऊपर जाएंगे और कब एक झटके में नीचे आ जाएंगे, कोई नहीं जानता। वैसे जानकारों की माने तो समृद्धि के इन दोनों प्रतीकों के अच्छे दिन कुछ और दिन चलेंगे, यानी कि दिवाली तक सोने के दाम लगातार बढ़ेंगे और सेंसेक्स का बुल भी अभी तेज गति से ऊपर ही चढ़ेगा।